हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं रांची रेलवे और हमें अभी चलना है जो रांची में स्थित है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान तो देखने के लिए। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ अभी तक ये जो जैविक उद्यान है बंद है। देखते हैं कितने बजे तक में खुलती है। यहाँ के जो स्टाफ, एक दो स्टाफ है, उन्होंने बताया कि लगभग ये 10 बजे के आसपास खुलती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पे टिकट काउंटर के पास। यहाँ से लेंगे टिकट, उसके बाद चलेंगे अंदर। तो यहाँ हमने टिकट ले लिया, पर टिकट 60 रुपये है। और अब आगे है अंदर, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो गाइज, मैं आपको यहाँ ए टू जेड दिखाने का प्रयास करूँगा, आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। तो सामने ये जो बाढ़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे तेंदुए हैं। चलिए देखते हैं तेंदुए को। तो यहाँ पे आ गए हम लोग शेर के बेड़े में और ये देखिए आपके सामने से आ रहे शेर। यहाँ सुंदर सा आर्टिफिशियल हाथी बनाया गया है, देखिए कितना ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम दर्शक देखने को मिल रहे हैं। अगर यही शाम का टाइम होता या 2-2:30 बजे का टाइम होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक साथ देखिए कई सारे भालू है।
तो गाइज यहाँ पे है एक विशाल सी हाथी, और ये क्या कर रहा है? अरे ये तो अपने सोंड से, ओ अपने सोंड से ये धूल कण को अपने शरीर पे, गाइज हमने सुना था कि हाथी अपने शरीर पे धूल कण को देता है, और यहाँ पे तो साक्षात हम देख पा रहे हैं। आह क्या बात है। और यहाँ देखिए कई सारे हिरने का झुंड, और इनके शरीर पे एक अलग ही क्वालिटी का डिजाइन बना हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्नेक हाउस, यहाँ पे हमें कई प्रकार के जो है सर्प देखने को मिलेगा, तो चलिए एक एक करके सारे सर्प को देखते पर राइनोसोरस घास को खाते हुए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।